नमस्कार दोस्तों, उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहता हूँ। एंड वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के जनरल अवेयरनेस के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के घड़ी पे 9 बज चुके हैं दोस्तों, और मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आ चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं, इनकम एंड कंजम्पशन आर, फिर डैश दिया हुआ है, यानी खाली फिल इन ब्लैंक वाला है, आय और खपत डैश होते हैं। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, आशंकित रूप से संबंधित हैं, प्रतिलोम रूप से संबंधित हैं, या असंबंधित हैं। ये 4 ऑप्शन हैं, चारों में से आपको देने हैं। दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और इन क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ आप इसको देखिए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेंगे इसके लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे, जिसमें से कि 20 सेकेंड जा चुके हैं एंड ओनली 10 सेकेंड्स आर रिलेटेड। चलिए, इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, खपत और आय जो होते हैं एक साथ रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं मैं बताता हूँ। इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो इनकम जो होती है, इनकम बराबर होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल और कंट्री प्रोड्यूसर इज इधर कंज्यूम्ड और सेव्ड। कंजम्पशन ऑफ एन इंडिविजुअल डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। तो वही बात है कि इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे पे रिलेटेड है, कि जितना इनकम होगा उतना ज़्यादा कंज्यूम भी करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डायरेक्टली रिलेटेड है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कोपरा जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, कब पारित किया गया था, 1984, 1980, 1986 या 1995। चलिए, आपका समय शुरू अभी हो जाता है। बीस सेकंड पार हो चुके हैं। व्हेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा पास्ड, 1984, 1980, 1986 या 1995। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा 1986। 1986 में जो है कोपरा जो है आपका एक्ट था वो पास हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, पहली भारत की महिला गवर्नर कौन थी। फिर से मैं क्वेश्चन दोहरा दूं, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, कमला नेहरू, मैडम बीकाजी कामा, तीसरा है सरोजनी नायडू, और चौथा ऑप्शन है आपका विजय लक्ष्मी पंडित। ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है दोस्तों, इनका नाम मुझे लगता है सबको सबने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, तो आंसर भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, और सिर्फ ये इसलिए फेमस नहीं है कि फर्स्ट गवर्नर थी, फीमेल गवर्नर थी, ये बहुत सारे कारणों से भी फेमस रही है। इनके बुक्स बहुत फेमस हैं, इनको नाइट एंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो चलिए इसका उत्तर दीजिए। जी बिल्कुल सही उत्तर है इसका, सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू इसका सही उत्तर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सरोजनी नायडू की पिक्चर मैंने लगाई है, सरोजनी नायडू कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, द नाइट एंगल ऑफ इंडिया। एक चीज़ और याद रख लीजिए कि इनको हम लोग नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, ये बता दे रहे हैं कि सरोजिनी नायडू फर्स्ट फीमेल जो गवर्नर बनी थी किस ईयर में बनी थी। तो ये बनी थी आपके 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक, और कहाँ की, उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी। चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा वेयर बिल्ट बाय, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट किसके द्वारा बनाए गए थे, ब्रिटिश, डच, पोर्टुगीज या मुगल्स। चलिए इसका उत्तर आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया है किससे आज़ाद हुआ था। तो इन इनके द्वारा ही आज़ाद हुआ था, और 1963 में आज़ाद हुआ था। तो किनके द्वारा हुआ था, यही वो वहाँ तक बहुत दिन तक राज किए थे गोवा में, और इसके रिलेटेड मैं ये डिटेल आपको बता चुका हूँ, तो इसका उत्तर भी आप लोग को पता होना चाहिए। अभी भी जो हैं इस मूल के लोग वहाँ पे बहुत सारे अभी भी बसे हुए हैं। अगर आप गोवा में जाओगे तो आपको इस मूल के लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। चलिए बिल्कुल इसका सही उत्तर डच नहीं होगा, अमरेश चौरसिया जी ए बोल रहे हैं, ए नहीं होगा इसका उत्तर, ये उत्तर होगा पोर्टुगीज। अच्छा, लिंक भेजने की बात कर रहे हैं, बिना लिंक के भी आप लोग आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
चलिए पोर्टुगीज हो गया, अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। चलिए पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, इसका उत्तर दीजिए। मैं जवाब दूंगा, पहले आप लोग क्वेश्चन कीजिए, फिर बात करने लगेंगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाता है, ग्रुप में इसका आंसर मिलेगा आप लोग को। हाँ देख रहा हूँ, मैं सबका आंसर देख रहा हूँ। चलिए इसका उत्तर दीजिए जल्दी से। चलिए औरंगजेब जो है इसका बिल्कुल गलत आंसर है, सही उत्तर इसका होगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने ही 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए परमिशन दिया था, और जिसके कारण फिर इंडिया बर्बाद हो गया। तो हम अगर किसी को गलत भी ठहराना चाहें तो जहांगीर को ठहरा सकते हैं। देखिए ये है जहांगीर की पिक्चर, ठीक है, आपने अपने बुक में दे जो हिस्ट्री की बुक होती है उसमें जरूर इन्हें देखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट अर्थ। निम्नलिखित में से पृथ्वी के बारे में क्या गलत लिखा हुआ है आपको बताना है। चलिए आंसर आना शुरू हो चुके हैं, सी 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 बोल रहे हैं दिलीप महापात्र, आकाश कुमार जी। जी बिल्कुल सी जो है इसका आंसर सही है। आपको बताना है कि रेड प्लैनेट किसको जाना, किस किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट न्यूक्लियस, डॉक्टर इयान विल्मट, डॉक्टर एनी बोरलॉग और डॉक्टर जेसी बोस। जी मृत्युंजय चौबे जी बोल रहे हैं मंगल ग्रह, आकाश कुमार बोल रहे हैं मंगल ग्रह, बिल्कुल सही है। हिसाब से क्या होता है मृत्युंजय चौबे जी, आप बताइए तो। कुछ हिसाब से नहीं होता है, आपका काम है पढ़ते रहना, पढ़ते रहिए, क्लासेस वगैरह करते रहिए, और ऐसा कोई नहीं है कि हम आपको बता सकते हैं गारंटी के तौर पे कि कौन सा एग्ज़ाम पहले होगा। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अगर हमारा अंदाज़ा गलत हो गया तो फिर आप हम ही को ब्लेम कीजिएगा, तो हम कैसे बताएं आपको कि कौन सा एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। हमें भी नहीं पता है, ये आरआरसी ही बता सकता है और आरआरबी ही बता सकता है, या वो भी नहीं बता सकता मैं आपको बताऊं तो। चलिए दिलीप महापात्रा जी सी बोल रहे हैं बोरलॉग जी, बिल्कुल मृत्युंजय चौबे जी आप लोग सब कुछ सही हैं कि थर्ड ऑप्शन जो डॉक्टर एनी बोरलॉग जो हैं उनको क्या जाना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से। उनका एक पिक्चर है मेरे पास, वो दिखा देता हूँ, देखिए ये हैं आपके बोरलॉग। ये जो क्वेश्चन है आपका कौन बनेगा करोड़पति का जो पिछला संस्करण था उसमें पूछा गया था ये सेम क्वेश्चन, ठीक है। चलिए प्रवेश अत्री जी भी सही उत्तर दे रहे थे। चलिए आठवां क्वेश्चन आपके सामने है, पंथेरा टिग्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। पंथेरा टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है। पैंथर यानी तेंदुआ, टाइगर यानी बाघ, वेल यानी वेल, गोट यानी बकरा, किसका है। ये वर्ल्ड के हैं आकाश कुमार जी। पैंथर बोल रहे हैं मृत्युंजय चौबे, टाइगर नहीं होगा, पैंथर इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, ये दोनों एक ही प्रजाति के थोड़ा सा लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है। आज बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं, क्या बात है, मतलब सब सो रहे हैं क्या। ये दो तीन जो हैं आकाश जी, दिलीप महापात्रा और मृत्युंजय चौबे, यही तीन जो हैं कॉमन रहते हैं हर सेशन में, बाकी लोग तो मतलब लगता है कि ग्रुप डी या ये सब निकाल के रखे हैं, पता नहीं उन लोगों को क्या लगता है अपने आप को कितना ओवर स्मार्ट समझते हैं।
भगवान जाने, ऐसे ही लोगों का कभी नहीं होता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मृत्युंजय चौबे, दिलीप महापात्रा जी एंड आकाश कुमार जी। आप लोग रोज ज्वाइन सेशन करते हैं, आप लोग में सिंसियरिटी दिखती है, आप लोग में डिसिप्लिन, आप लोग में पंचुअलिटी, और कुछ नहीं चाहिए। नॉलेज वॉलेज सेकेंडरी चीज़ें हैं। ये चीज़ें आ गई आप में तो आप कोई भी एग्ज़ाम फोड़ सकते हो, चाहे UPSC हो, चाहे ग्रुप डी हो, कोई भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसका जो उत्तर होगा, 5 ईयर इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 वर्षों का होता है। प्रवेश अत्री जी ऐसे नहीं निकलेगा, आपको रोज सेशन ज्वाइन करने पड़ेंगे, कहीं पे भी जाके आपको एक जगह। ठीक है, आप मेरे पास मत आइए, आप जहाँ भी जा रहे हैं एक जगह आइए, और अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते तो एक दिन भी मत आइए, क्योंकि 1 दिन 2 दिन करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्नकाल के बाद सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए कार्यकारिणी का ध्यान आकर्षित करने के लिए संसद सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है, उसका नाम बताइए। आफ्टर क्वेश्चन आवर अ मोशन मूव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर डिस्कसिंग अ डेफिनेट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, विशेष अधिकार प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। वाह प्रवेश अत्री जी, आप 1 दिन में आए और अपने जज करके चल दिया। वाह वाह, चल जाओ जाओ, आप यहाँ से भाग ही जाओ तो बढ़िया होगा। कितना एक्सप्लेन करता हूँ ना, बाकी लोगों से पूछ लेना, वही लोग बोलते हैं कि सर एक्सप्लेन मत कीजिए, आगे बढ़िए। मतलब सबका अपना अपना ये है, यहाँ पे मेन्यू थोड़ी ना चल रहा है कि मुझे थोड़ा सा नमक कम चाहिए, फिर कोई बोलेगा मुझे नमक थोड़ा ज़्यादा चाहिए। मुझे सबके हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा, मेजोरिटी के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। पूछिए आकाश और मृत्युंजय से कितना समझाता हूँ, कितना पिक्चर ला के करता हूँ। हाँ तो कीजिए, आपको अगर वही लगता है तो कीजिए, उसमें बहुत अंतर होता है, बुक में और वीडियो में बहुत अंतर होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। कोई पीयूष जोशी जी, हाय वाई नहीं चलेगा, आप लेट हो। चलिए इसका उत्तर जो है, प्रवेश अत्री जी ने अगर इस क्वेश्चन के लिए दिया है तो सही दिया है, सी इज द एप्स करेक्ट आंसर। ठीक है, जब भी कुछ आपका इमरजेंसी के लिए होता है तब यहाँ पे किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ कि एडजर्नमेंट मोशन जो होता है वो प्रोसीजर होता है एडजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस ऑफ द पर्पस फॉर डिस्कसिंग डिफिनेट मैटर। मान लो कि कोई बहुत आपातकालीन सिचुएशन आ जाती है तो ये जो मोशन होता है पास किया जाता है, ताकि उस चीज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली डिस्कशन हो सके। ठीक है, एक तो आपका रोज का कार्यकाल चलता ही है, लेकिन उसको रोक के यहाँ पे एकदम इमरजेंसी का केस लाया जाता है और इसके ऊपर बातचीत होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आवर के बाद होता है और इसको जो कर सकते हैं वो स्पीकर कर सकते हैं। ठीक है, मूव बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो कौन लेकिन इसको पुश करता है, पुश करता है आपका मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है चलिए, और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, लोकसभा में अलाउड है। तो ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ये अलाउड है। ठीक है चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय सभा, राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या अक्षय कुमार दत्त। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से आप लोग सब कोई। सी ए, चलिए ए इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। सैयद जी आप लोग इतना लेट क्यों करते हैं यार, मतलब आप लोगों में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? मैं आपको लिखित तौर पे दे देता हूँ कि अगर डिसिप्लिन और आप लोगों में पंचुअलिटी नहीं रही ना, तो कोई भी एग्ज़ाम आप लोग नहीं कर पाओगे। सेम गोज़ विद श्वेता। मृत्युंजय चौबे जी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम यू। ठीक है, आप बहुत खुश हो। ए इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, राजा राम मोहन रॉय जी ने ही आत्मीय सभा की
की स्थापना की थी। आत्मीय सभा जो था वो फिलोसफिकल डिस्कशन था सर्कल इंडिया में, ठीक है। द एसोसिएशन वाज स्टार्टेड बाय ऑब्वियसली राजा राम मोहन रॉय इन 1815 कोलकाता। कोलकाता राजा राम मोहन जी कहाँ से थे? कोलकाता से थे, ये आपको पता होना चाहिए। दे यूज टू कंडक्ट डिबेट एंड डिस्कशन सेशन ऑन फिलोसफिकल टॉपिक्स एंड ऑल्सो यूज टू प्रमोट फ्री एंड कलेक्टिव थिंकिंग एंड सोशल रिफॉर्म। आपको अगर पता होना चाहिए तो लड़कियों की पढ़ाई में इन्होंने, इनका बहुत बड़ा योगदान है। लड़कियों इन्होंने खुद अपनी पत्नी को भी पढ़ाया था। मतलब इनका थॉट जो है ना, ये मतलब अभी 21वां सेंचुरी चल रहा है, लेकिन इनका जो थॉट था तभी ही, मतलब कि देखिए 19वीं सेंचुरी में ही अभी का थॉट था इनका, बहुत आगे का थॉट था। इनको लगता था कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, फिर इनको इन्होंने पे सती प्रथा को बंद करवाने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। तो इनका थॉट जो था ना दोस्तों, भले ही ये इतने फेमस नहीं है, लेकिन इनको मैं वन ऑफ द पर्सनैलिटी मानता हूँ जो जिनके वजह से इंडिया इतना आगे बढ़ पाया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए राजा राम मोहन जी का पिक्चर है, ग्रेट रिफॉर्मर, रिफॉर्मर थे बिल्कुल, तभी से ही इनका सोच था रिफॉर्म करने का चीज़ों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जेईडी बैथुने वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद, जेईडी बैथुने के साथ निकटता के से किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो किसके साथ निकटता उनका जुड़ा हुआ है? तो एवोल्यूशन ऑफ पराधा सिस्टम, मतलब कि पर्दा सिस्टम सॉरी का उन्मूलन, ठीक है, फीमेल एजुकेशन, विडो रीमैरिज, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, दासता का उन्मूलन। जेईडी बैथुने, और ये इंडिया में काम हुआ था, क्योंकि ये सब जितने भी घटिया सिस्टम हैं, जितने भी लिखा हुआ है, पर्दा सिस्टम, महिला शिक्षा को नहीं आगे बढ़ाना, विधवा पुनर्विवाह, दासता का उन्मूलन, ये सब इंडिया में ही घटिया चीज हो रहा था। तो जेईडी बैथुने इंडिया ने में ही इनको स्टॉप कराया था। नो आइडिया बोल रहे हैं। पास, जी बिल्कुल मृत्युंजय चौबे जी, ऐसे ही यही सब चीज़ों के कारण ना आप लिंक कर करके जो है जीके में उत्तीर्ण हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सारा आंसर आएगा, और आपसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि सारा आंसर, लेकिन आपको इतना जनरल अवेयरनेस, इतना एक्टिवनेस आपके दिमाग में है कि इन चीज़ों से आप जोड़ के कर सकते हो। आप देखो मृत्युंजय चौबे जी, आपको ये पता है कि राजा राम मोहन कॉलेज है कोलकाता में, जो कि गर्ल्स कॉलेज है, तो इससे आप लिंक कर सकते हो कहीं पर। मान लो कि चार ऑप्शन आता लड़कियों के ऊपर आता, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे क्या कि ऑब्वियसली है कि राजा राम मोहन रॉय जी हो जाए, अगर ऑप्शन रहे उसमें। तो ये सब लिंक करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, अपना अवेयरनेस रखना पड़ता है, इसीलिए अवेयरनेस बोलते हैं इसको। पहले जनरल नॉलेज बोलते थे, लेकिन अवेयरनेस बोलते हैं हम। चलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, फीमेल एजुकेशन, ठीक है। महिला शिक्षा में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, जेईडी बैठे। आप देख लो मैं जिस गाँव में रहता हूँ, 50 साल पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, ठीक है, तो कुछ चेंज नहीं आया। उन्होंने ही जितना रेलवे बना के गए गए। बैथुने फाउंडेड इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन एजुकेशन इन कैलकटा विच लेटर बिकम्स बैथुने कॉलेज। तो बैथुने कॉलेज अगर कोई कोलकाता के हैं तो मुझे बताइए कि वहाँ बैथुने कॉलेज है अभी भी या बंद हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देव समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जी बिल्कुल आकाश कुमार जी, देव समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हाँ, मृत्युंजय चौबे जी बोल रहे हैं, जी बिल्कुल सही बोले आप। अच्छा तो चलिए आपको थोड़ा सा उसका हिस्ट्री पता चल गया, तो अब आप जब बैथुने कॉलेज अगर जाओगे या उससे गुजरोगे तो आपको थोड़ा गर्व महसूस होगा कि इसका हिस्ट्री के बारे में आपको पता है। जयकिशन जी बोल रहे हैं ए। देखो मैं चाहता हूँ ना कि इसको पूरा इंटरेक्टिंग सेशन बना दें, लेकिन कुछ कुछ लड़के आते हैं बोलते हैं सर जल्दी पढ़ाइए जल्दी पढ़ाइए, जल्दी पढ़ाने से क्या हो गया यार, सही बोले कि जाके इससे बुक से पढ़ लो। अगर कोई चीज़ों पे बात नहीं होगा, हिस्ट्री पे बात नहीं होगा, अपना नॉलेज का आदान प्रदान नहीं होगा, तो इस सेशन का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ कुछ लड़के हैं जो इस तरह से करते हैं। चलिए ए को लॉक कर दिया, जी बिल्कुल ए को लॉक कर देते हैं। शिव नारायण अग्निहोत्री जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, और देव समाज का जो निर्माण किया था इन्होंने ही किया था स्थापना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका उत्तर मुझे सबके द्वारा आना चाहिए और सही सही उत्तर आना चाहिए। तो जय किशन जी अगर सही कहा है तो आप भी आइए रोज रोज, आप तो रोज दिखते नहीं हो, आज फर्स्ट टाइम मुझे शायद दिख रहे हो, नहीं तो मुझे सबका नाम याद है, मृत्युंजय हुए,
सैयद जी डेली ज्वाइन कर रहे हैं कुछ दिनों से, आकाश कुमार तो करते ही हैं, फिर अभी एक दिलीप थे वो भी निकल लिए, कल्टी कर लिए। चलिए श्वेता जी का आंसर आ रहा है, श्वेता जी भी रोज़ ज्वाइन करती हैं, कभी कभार इधर उधर उनका हो जाता है लेकिन टाइम पे ज्वाइन नहीं करती हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन ये दोनों चीज़ें हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, बाकी सब चीज़ सेकेंडरी हैं, नॉलेज भी इवन सेकेंडरी है। मैं बोलता हूँ ये चीज़ें कर लोगे ना, नॉलेज अवेयरनेस सब कुछ अपने आप आ जाएगा। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स सी कौन दे रहा है आंसर, कोचिंग इन स्पोर्ट्स। चलिए बताइए, इसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग है, स्पोर्ट्स भी है कोचिंग इन स्पोर्ट्स भी है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? कोई लॉक करने के लिए मुझे मुझे बोले कि क्या होना चाहिए। देखो यही होगी हड़बड़ी, आंसर सबको पता होगा, श्वेता जी ने गलत दिया, जय किशन जी ने गलत दिया, क्यों गलत दिया? लेकिन चलो जय किशन ने बाद में किया, क्यों हड़बड़ी? यही हड़बड़ी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हड़बड़ी आपको करनी नहीं है, ध्यान से देखना है। कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य आपको फेमस होगा, आपने टीवी देखा बचपन में, आपके घर में था या अगल बगल में भी था, तो द्रोणाचार्य को तो आप जानते ही होंगे, कौन थे? कोच थे, पांडवों के कोच थे, ठीक है, तो उनके नाम पे ही द्रोणाचार्य अवार्ड जाता, तो वो कोच थे, तो कोचिंग के लिए ये होता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स रहता, कोचिंग यहाँ पे नहीं रहता, तो फिर आप स्पोर्ट्स आंसर देते तो सही होता, लेकिन यहाँ कोचिंग है तो फिर आपको कोचिंग ही देना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, थोड़ा एक्साइटमेंट से और चीज़ें से बाकी ऑप्शंस नहीं पड़े, ये मेरे साथ भी होता था बहुत, ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसका सही उत्तर होगा सी होगा, कोचिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए तो दिए जाते हैं लेकिन कोचिंग इन स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिकली इसे दिया जाता है। और द्रोणाचार्य अवार्ड देखिए कुछ ऐसा होता है, इसमें बहुत अच्छा से इसको दर्शाया गया है कि एक मतलब कि कोच हैं और अपने शिष्य को सिखा रहे हैं हाथ पकड़ के तीरंदाजी, और द्रोणाचार्य जो है तीरंदाजी के ही कोच थे, अगर आपको पता होगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? प्रोविजन है यहाँ पे, हिंदी में पता नहीं लोग गलत गलत छाप देते हैं, अगर ये देखो कि ऐसा नहीं करना किसके अंदर अधिकार आता है, कि मतलब आप पे लिंग पे जाति पे धर्म के आधार पे आपसे कोई पक्षपात नहीं कर सकता है, तो ये किस श्रेणी में अंतर्गत आता है, किस संविधान के किस मौलिक अधिकारों के श्रेणी में? चलिए श्वेता जी सी बोल रही है, दिलीप महापात्रा कहाँ चले गए थे बीच में? दिलीप महापात्रा जी आप प्राइज मनी, सर प्राइज मनी अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 5 लाख है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मृत्युंजय चौबे जी सी बोल रहे हैं, आकाश कुमार जी ए बोल रहे हैं, जय किसान बोल रहे हैं सी, राइट टू इक्वालिटी। देखो ये भी एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग वमाग नहीं लगाना था, सारे ऑप्शन पढ़ते आपको नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन ऑप्शन को लगा के आप बता सकते हो यार, और कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आपके पास इतना, आप सेशन अटेंड करते हो वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, जिन्होंने भी ए दिया वो गलत दिया। यार फ्रीडम कैसे हो गया यार, इक्वालिटी ना हो गया या पक्षपात नहीं कर रहे, किसी को भी बराबर का अधिकार दे रहे, तो इक्वालिटी का बात आ गया यहाँ पे, फ्रीडम का बात ही नहीं है। राइट टू इक्वालिटी एंश्योर इक्वल राइट्स फॉर ऑल द सिटीजन, द राइट टू इक्वालिटी प्रोहिबिट्स इन इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन प्लेस बर्थ रेस और जेंडर, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए कपिल धारा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, कपिल धारा जल प्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तापी सरस्वती नर्मदा या इंद्रावती? जी बिल्कुल, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो है इसकी सुरक्षा के लिए है, आर्टिकल 15 बताता है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते, और 16 इक्वालिटी की बात करता है, उसका डेट नहीं पता है दिलीप महापात्र जी की एग्ज़ाम कब है, आरआरबी ने रेलवे ने नहीं बताया, तो मैं आपको कैसे बता दूं? और आज इतने कम लोग जुड़े हैं, इसका कोई कारण मुझे बता सकता है? 10 भी नहीं पार कर रहे हैं, इतने कम लोग क्यों जुड़े हैं? आप ये भी बताइए कि जो कपिल धारा फॉल्स है वो कहाँ पे है, किस स्टेट में है? चलिए आप लोग सबको सी 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 बोल रहे हैं, सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है, नर्मदा इसका सही उत्तर है वो, और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। चलिए आज ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, ये देखिए इसका फोटो है, ठीक है,
ये फॉल्स रहा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। आज मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले पाया क्योंकि काफ़ी काम था मुझे, और शुरू से जुड़ा कीजिए, 9 बजे तक जुड़ा कीजिए आप लोग सब कोई, ठीक है? अगर 9 बजे तक नहीं जुड़ रहे हैं तो ये गलत बात है, फिर मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी करके देखो कितने जल्दी ख़त्म कर दिया, बल्कि इतने जल्दी ख़त्म नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो 9:01 तक हाजिर हो जाएं, बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सानी मदेसिया जी भी अभी, क्या आप लोग का मतलब, आप लोग पंक्चुअल डिसिप्लिन नाम कुछ ज़िंदगी में सुने हैं कि नहीं? आप लोग कभी भी आके टपक जाते हैं। टाइम का मतलब क्या होता है? 9 AM, 9 AM, 9 AM, मैं इतना बात चिल्लाता हूँ उसका क्या मतलब है बताइए? नहीं वो तो पढ़ाएंगे आकाश जी, लेकिन ऐसे डीमोटिवेट हो जाते हैं ना, आप खुद सोचिए। अच्छा इसीलिए नहीं आए क्या? कल का PDF नहीं दिए हैं? PDF का लालच। अच्छा ठीक है, चलिए PDF दे देंगे। चलिए इसका उत्तर बताइए आप लोग। थर्मल पावर, डी बोल रहे हैं सैयद जी। त्रिदेव मैं तो बोल रहे हैं आंसर दीजिए। हम लोग पढ़ाते नहीं हैं, हम लोग क्विज सेशन कराते हैं। हम लोग ऑलरेडी ग्रुप डी का बहुत सारा आपका लेक्चर ले चुके हैं, अगर आपको पढ़ना है, आपको अगर पसंद आता है तो आप देख सकते हैं। आप लिखिएगा ग्रुप डी क्लासेस उमंग स्टडी, ठीक है? या कोई भी टॉपिक सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। हमने काफ़ी सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर रखे हैं वहाँ पे, ठीक है सानी मदेसिया जी? लेकिन कल 9 बजे, ठीक 9 बजे आप लोग हमारे YouTube पे आके आप क्या कहते हैं रिफ्रेश कीजिएगा, आपको लाइव मिल जाएगा। थर्मल पावर, थर्मल पावर क्विज सेशन जो है ये आप अटेंड कर रहे हो तो आपको ग्रुप डी में भी काम आएगा, NTPC में भी काम आएगा, JEE में भी काम आएगा, आपको सब में काम आएगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस ऑलमोस्ट सब जगह कवर होता है। आपके MTS में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। अभी उसका डेट नहीं है दोस्त, हमको नहीं मालूम है, हम नहीं बता सकते आपको कब होगा। मृत्युंजय चौबे जी का उत्तर नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा वो एकदम बिल्कुल थर्मल पावर जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंज्यूमर वाटर का है वो इंडिया में कहाँ होता है? थर्मल पावर प्लांट्स में ही होता है। तो सोचिए मतलब कि बिजली बनाने में कितना ज़्यादा पानी जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा रिलेटेड है पानी और बिजली। इसलिए बिजली का बचत कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली पानी का भी बचत होगा। तो इसलिए मैं आप सबसे अपने पर्सनल रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि बिजली की भी बचत कीजिए, पानी की भी बचत कीजिए, नहीं तो 10 साल भी ये अर्थ ये जो है आपकी धरती नहीं चल पाएगी, इतना बुरा कंडीशन आ गया है। आपको आकाश कुमार कहाँ जॉब करना ही है? चलिए और कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछिए, आज तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर आपका कोई पर्सनल वगैरह कुछ क्वेश्चन है तो कोई क्वेरी वगैरह रिलेटेड है तो पूछिए। फिर से मैं बता देता हूँ कि सुबह के 9 AM में क्लास होती है, 9 AM, 9:01 तक जुड़ जाइए, क्या के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। मैं तुरंत स्टार्ट कर देता हूँ, मैं समय व्यर्थ नहीं करता हूँ। जी बिल्कुल मृत्युंजय चौबे जी, आप तो बहुत एक्टिव हैं, आप तो प्रो एक्टिव हैं। मैं बोलूँगा लिंक नहीं आता तो आप लिंक मांगने लग जाते हैं आप, मतलब मुझे ऐसे ही स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ यार नॉलेज मुझे नहीं मायने रखता है, मुझे उनका एक्टिवनेस, उनकी पंक्चुअलिटी, उनका डिसिप्लिन रखता है। जी बिल्कुल, आपका रेलवे में जॉब जो है आपका सपना जरूर पूरा होगा काल जी, बस आप जो मेंटेन कर रहे हैं उसको हमेशा मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है? और मैं प्रे करूंगा ऊपर वाले से कि आपका जरूर हो। जी बिल्कुल, और आएंगे ही। अभी तो इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा मतलब इतने खतरे में चल रहा है ना कि इन्वायरमेंट हर जगह हो रहा है, तो वो उससे भी आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे आएंगे उससे आएंगे, आ सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रखते हैं आपके अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर। 2016 में उतना प्रॉब्लम ना था इन्वायरमेंट का, शायद अभी जितना हो रहा है, ठीक है? बाढ़ आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आ सकता है करंट में, ठीक है? तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बस रोज़ लाइव सेशन जुड़िए आप लोग। जी बिल्कुल, एक दिन रहेगा कि पूरा करंट अफेयर्स हम कराएंगे 1-2 दिन, ठीक है? उसके लिए मैं करता हूँ। अरे मुझे टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाने में इतना बिजी हो जाता हूँ ना, मुझे समय ही नहीं मिल पाता है, समझे? इसी कारण से करूँगा, वो भी मैं करूँगा। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं करंट अफेयर्स का, एक क्लास में पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का ही क्लास होगा, पूरे वीक का। एक सप्ताह में जितने भी करंट अफेयर्स थे उसका एक अलग से क्लास होगा, ओके?
तो चलिए इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग जुड़े रहे, लास्ट में इतने ज़्यादा लोग जुड़े, पहले इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, तो जिन्होंने भी इसको देखा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। कल आपको सुबह 9 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं, और आज दोपहर की 12 बजे की क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ तो क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। और राहुल लिंगित जी ज्वाइन किए हैं लेकिन इतना लेट ज्वाइन किए हैं, मुझे पता नहीं क्यों कि आपका सिंसियरिटी कहाँ है राहुल लिंगित जी, ना आप डिसिप्लिन दिखा रहे हैं सिंसियरिटी, ना पंचुअलिटी दिखा रहे हैं, आप रोज जाते हैं और आज इतना लाइट लेट ज्वाइन किए, ये बिल्कुल मुझे ख़राब लगता है। ठीक है ठीक है, तो 12 बजे की जो प्रीवियस ईयर क्लास हो रही है सॉरी नहीं हो पाएगी, लेकिन 8 बजे की जो आपके जनरल साइंस की क्लास होती है वो होगी, और फिर कल आपको मैं मिलता हूँ शुभम कुमार सुबह 9 बजे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय।